अन्य प्रश्न मौसम में सुनवाते आपको। मैं मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, श्री कृष्ण कुमार चालान जी, अखिलेश खेमका जी, श्री राकेश गोयल जी, श्री कृष्ण कुमार खेमका जी, और आप सबके बीच में महर्षि नारद की भूमिका के रूप में कार्य करने वाले महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज सतवा बाबा और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, दृष्टिबाधित विद्यालय में सरदेव भाई जी की स्मृति में अन्न क्षेत्र का शुभारंभ होना एक सुखद अनुभूति करने वाला क्षण है। इस अवसर पर भाई जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी को, इस पूरे ट्रस्ट को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सर्वे भाई जी की स्मृति में इस अन्न क्षेत्र को यहां पर बनाया है। हम सब जानते हैं भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा अन्न दान को एक पवित्र दान के रूप में लेती है। अन्नम ब्रह्म कहकर के भारत की वैदिक परंपरा ने इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के स्वरूप के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना है। इसमें नहीं आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है, इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पुण्य उसके क्यों न हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज ही क्यों न मिल जाए। इसलिए अन्नदान की महत्ता को एक भारतीय से मैं ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, और इस संबंध में अनेक उदाहरण है। आप रामायण में देखेंगे, वहां पर भी आपको अनेक उदाहरण इस संबंध में मिलेंगे। एक पवित्र कार्य हुआ है और वहां पर भी दृष्टिबाधित यहाँ पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनके साथ साथ आने वाले, काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अन्न क्षेत्र खुलना एक सुखद अनुभूति करने वाला है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है, जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याज्य कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कहकर के प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। आज इस संबंध में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं, और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का यह कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार का एक अभियान है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम धर्मार्थ संस्थाओं के ही कार्यक्रम बनने चाहिए। हमारे धर्मार्थ संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे, तो फिर समाज में कहीं भी अभाव, दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, रामराज्य की स्थिति होगी, और गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका निकलती है कल्याण, जब सेठ जी ने, श्री जयदयाल गोयनका जी ने जब गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की, और लगभग 100 वर्ष पहले
गोरखपुर से कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो संपादक के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सनातन धर्म के मर्म को समझता हो उसका चयन होना था। तो सरदेव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चयन हुआ। आजीवन उन्होंने इस व्रत को निभाया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे वही आलेख आज भी चल रहे हैं और उन्होंने घर घर तक यानी साधन न होने के बावजूद कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया हो। सनातन धर्म की जो सेवा गीता प्रेस के माध्यम से हुई वो अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय सेवा है और उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शताब्दी महोत्सव के समारोह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गीता प्रेस के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ था। यानी यह अपने पूर्वजों के प्रति और विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, सनातन धर्म कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला है। किसी ने कुछ कार्य किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला जो धर्म है वही महान धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म हमें हमेशा अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, समाज के लिए योगदान देने वाले उन सदैव महापुरुषों के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरणा देता है। आज उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए हम सरदेव भाई जी को स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से उनका स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरदेव भाई जी की स्मृतियों को एक नई जीवंतता प्रदान की है। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके इस अभियान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।